सुन पा रहे हैं तो एक बार ये थम्स अप कर दीजिएगा। आप लोग बहुत देर से तो नहीं, 5-7-10 दिन से मुझे बोल रहे थे कि नीट और जी और कुछ और एग्जाम्स भी हैं, क्लैट है और भी एग्जाम्स हैं, उनके बारे में आप बात कर रहे थे। तो 2 दिन पहले मैंने आपको बोला भी था कि 2 चीजें, एक के माइंड बहुत फोकस्ड था सुशांत सिंह राजपूत केस में, आप जानते हैं, बहुत आप सब जानते हैं कितना पावरफुल, कितना बड़ा मूवमेंट था, कितने उसमें एंगल्स इन्वॉल्व थे, कितने पावरफुल लोग उसको दबा रहे थे, तो सब बिजी था। तो स्टूडेंट्स, और आई रियली बिलीव स्टूडेंट्स एब्सोल्यूटली आर द फ्यूचर ऑफ इंडिया, एंड वो उनके एग्जाम्स को लेके चल रहा था। तो मैंने कहा था इसके ऊपर 2 दिन पहले कि मुझे आप थोड़ा टाइम दीजिए कि मैं इशू देख लूं, 1 दिन पहले मैंने कहा था। अब मैंने देखा है इशू, एक चीज तो इसमें है कि आप बहुत लास्ट मिनट आए हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इसमें फैसला दे चुका है, बट मुझे लगा जब मैंने इशू स्टडी किया और मेरी टीम ने स्टडी किया कि हाँ ये पोस्टपोनमेंट होनी चाहिए, ये गवर्नमेंट को डिसीजन लेना चाहिए इसको पोस्टपोन करने के लिए, क्योंकि एग्जाम आपका स्ट्रेस में नहीं होना चाहिए। देखिए 16, 18, 20 इस एज ग्रुप के बच्चे हैं, वैसे ही इतना स्ट्रेस है, दूसरा कोई एसिम्टोमेटिक हो गया, एग्जाम देने गया, सबके घर में ग्रैंड पेरेंट्स हैं, ग्रैंड पेरेंट्स क्या, बहुत बड़ी पेरेंट्स हैं, बहुत बड़ी कोई डायबिटिक बच्चे होते हैं, बहुत बड़ी पेरेंट्स डायबिटिक होते हैं, बहुत बड़ी वैसे ही पेरेंट्स तो प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन होती हैं। तो यस, आइडली इट शुड बी पोस्टपोन्ड। अब मैं ये देखना चाह रहा हूं कि गवर्नमेंट क्यों नहीं कर रही, सुप्रीम कोर्ट तो केस हो चुका है, वैसे फ्यूचर के लिए अगर कोई बहुत अच्छा कॉज हो आप लोगों को लगे तो आप थोड़ा जल्दी कॉन्टैक्ट कर लिया कीजिए, थोड़ा जल्दी कॉन्टैक्ट कर लिया कीजिए कि अगर कोर्ट जाने की स्टेज हो तो हम जहां पे उचित हो, जहां पे राइट हो, वहां पे कोर्ट भी जा पाए। थोड़ा थोड़ा जल्दी कॉन्टैक्ट कर लिया करो, एकदम ये तो सुप्रीम कोर्ट खत्म होने के बाद आपने कॉन्टैक्ट किया है, हाई कोर्ट भी छोड़ो, आप तो सुप्रीम कोर्ट खत्म होने के बाद कॉन्टैक्ट किया है, तो थोड़ा जल्दी कॉन्टैक्ट कर लिया करो। यस अनुराग, क्लैट ऑल्सो एनीथिंग, ऑल एग्जाम्स, वो ये एग्जाम में थोड़ी ना हम चूज कर रहे हैं कि कुछ स्टूडेंट्स जो ये एग्जाम देते हैं वो के लिए और रूल हो, कुछ स्टूडेंट जो कोई और एग्जाम देते हैं कुछ और रूल हो। मुझे तो एग्जाम सदियां ही लगता है, इतने साल हो गए हैं, तो बहुत सारे एग्जाम्स हैं, तो सभी एग्जाम्स को कोविड तक पोस्टपोन कर देना चाहिए। मैंने अपने ऑफिस को बोला है स्टडी कर रहे, क्योंकि मुझे ये भी समझना चाह रहा हूं कि सरकार या गवर्नमेंट क्यों करवाना चाह रही है, उनका क्या लॉजिक है करवाने के पीछे, कोई गवर्नमेंट ऐसा तो नहीं है तंग करना चाहती है किसी को, तो वो क्यों कर रही है, व्हाट्स द लॉजिक बिहाइंड इट, उनका क्या रैशनल है। मैं 1-2 एजुकेशनिस्ट से बात करूंगा कि क्या लॉजिक होना चाहिए, क्यों करवा रहे हैं। अगर आप स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, अगर आप जैसे IIT और NIT और GE के बोलते हैं 25-26 लाख स्टूडेंट हैं, बाकियों के और स्टूडेंट्स हैं, तो अगर स्टूडेंट्स में मुझे लगता है कि 90% स्टूडेंट्स नहीं चाहते एग्जाम होना, राइट, तो अगर 90% के करीब स्टूडेंट्स नहीं चाहते एग्जाम होना तो फिर एग्जाम क्यों हो रहा है, इसमें गवर्नमेंट को क्या रैशनल है, क्या रीजनिंग है, क्या कारण है, थोड़ा मैं उसका पता करने की कोशिश कर रहा हूं कि व्हाट इज द रीजन दैट दे वांट टू डू इट, उनके कुछ रीजंस होंगे। सो लॉ एग्जाम का भी लास्ट सेमेस्टर, ये बहुत बड़ा इशू है, इसलिए मैंने कहा आप एक रिक्वेस्ट है, अगली बारी थोड़ा जल्दी आया कीजिए, सुप्रीम कोर्ट खत्म होने के बाद इतने सारे लोग आप जुड़े हुए हैं, आपको फेसबुक पे, ट्विटर पे, इंस्टा पे 10 बारी बोलो, 50 बारी बोलो, मेरी नजर पड़ जाती है, तो या मेरी टीम की नजर पड़ जाती है अगर आप बहुत सारे लोग एक बात बोलते हैं, तो थोड़ा जल्दी आओ। पर इस इशू पे स्टडी कर रहे हैं, मे बी डॉक्टर स्वामी ने HRD मिनिस्टर से बात भी की है, आपको बता दूं डॉक्टर स्वामी ने मिनिस्टर से बात भी की है, सो अभी इस इशू को स्टडी भी कर रहे हैं, सो लेट्स सी, एंड देन उसके आगे जो भी स्टेप हो सकता है, ये 11th आर भी नहीं है, ये तो आप 11th का ऑलमोस्ट
11:55 पे ये बात आई है, तो फिर भी देखते हैं कि क्या हो सकता है इसके लिए, करते हैं. और वाई इज द गवर्नमेंट वॉन्टिंग टू डू इट, मुझे ये भी जरा समझना पड़ेगा, और जो समझ आएगा उसके बाद आके बोलूंगा. बट आई डू एग्री विद यू दैट इट शुड बी पोस्टपोन्ड, बिकॉज यू शुड नॉट हैव टू रिस्क योर हेल्थ और योर फैमिलीज हेल्थ टू गिव एन एग्जाम. दैट इज एब्सोल्यूटली क्लियर इन माई माइंड. हेल्थ रिस्क पे एग्जाम नहीं होना चाहिए. सो लेट मी फाइंड इट आउट एंड देन आई विल गेट बैक टू यू, मे बी इन अ डे, मे बी इन टू डेज. लास्ट मिनट है, मैं आई विल गेट बैक टू यू कि क्या होना चाहिए इसके अंदर. ओके.